हकुना मटाटा यानी टेंशन नहीं लेने का। 25 साल बाद जॉन फेवरू दर्शकों को टेंशन से मुक्त करने के लिए एक बार फिर फिल्म लाए हैं द लॉयन किंग, लेकिन इस बार कुछ नए अंदाज में। कहानी वही लेकिन अंदाज नया। 1994 में बनी एनिमेशन फिल्म द लायन किंग को नई टेक्नोलॉजी के साथ और नए वॉइस ओवर के साथ भारत में दर्शकों के सामने पेश कर दिया गया है। शाहरुख खान की आवाज में देखिए मुफासा यानी जंगल के राजा लायन किंग को, और शाहरुख खान के बेटे की आवाज में देखिए मुफासा के बेटे सिम्बा को। दोनों ने बेहतरीन डबिंग की है। बाकी किरदारों की आवाज का चुनाव भी मजेदार है। जैसे स्कार के रूप में आशीष विद्यार्थी जुजू को आवाज दी है असरानी ने, श्रेयस तलपड़े और संजय मिश्रा ने टिमोन और पुम्बा की जोड़ी को आवाज दी है। इन सभी कलाकारों ने हर कैरेक्टर के साथ पूरा इंसाफ किया है। फिल्म की कहानी सब जानते हैं, लेकिन इस बार डिटेलिंग कमाल की है। एक एक किरदार के इमोशन को जीवंत कर दिया गया है। चेहरे के भाव से सब जानवर असली मालूम देते हैं। कुछ इमोशनल सीन बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, खासकर सिम्बा की मासूमियत हंसाती भी है और रुलाती भी है। क्रिटिक्स का मानना है कि दोबारा तिबारा देखने पर भी ये फिल्म बोर नहीं करेगी, और बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी फिल्म देखकर मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे। गो न्यूज़ के लिए ललिता कश्यप की रिपोर्ट।